हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। एक्सेल के आज इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो हम एक्सेल ओपन करते हैं, देन हम देखते हैं जब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। यहाँ से एक ब्लैंक शीट में ले लिया। अब हमारे पास जो हमने यहाँ तक देख लिया था बेसिकली, अब हमको इस वीडियो में क्या देखना है, फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि मैं यहाँ पर राजेश लिखता हूँ, एक सेल में मैं कुमार लिखता हूँ और एक सेल में क्या करता हूँ, प्रसाद। मैं अपना नाम लिखा बेसिकली। अब मुझे इस सेल में क्या करना है, पहले फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा भी कर देता हूँ और इसके कलर भी मैं इसमें कर देता हूँ। अब इस फॉर्मेट को मुझे इस पर भी अप्लाई करना है, इस पर भी अप्लाई करना है, या किसी और सेल में कुछ और भी लिखा हुआ है, इन सारे सेलों पर अप्लाई करना। इस डिजाइन को फॉर्मेट पेंटर में बेसिकली मुझे टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है, पार्टिकुलर इस डिजाइन को कॉपी करना है। तो डिजाइन को कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। यहाँ आप फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक करोगे और देन आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो उस सेल का क्या हुआ, जब फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। लेकिन आप देखोगे जो एक बार मैं यहाँ क्लिक किया था और एक बार मैं इस पर क्लिक किया था, अब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अगर इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखना है, जब मैं जब तक चाहूँ तब तक मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। मतलब तो दो बार आपको जल्दी जल्दी क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जब आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करोगे जब तक चाहोगे तब तक आप क्लिक करते रहोगे, आपका क्या होगा, फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। अब जैसे फॉर्मेट मेरा चेंज हो गया, आप इससे एग्जिट होना है, या तो अपने कीबोर्ड से आप एस्केप बटन दाबोगे या आप इसी फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक कर दोगे, तो इससे आप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का हम यूज क्यों करते हैं, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। मतलब जो डिजाइन है हमारा उस डिजाइन को कॉपी करने के लिए। जैसे कि मैं इस सेल में मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी कुछ चीज़ों को मैं लगा देता हूँ। यहाँ से बैक कलर लगा दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से मोर कलर जाके मैं यहाँ से स्टैंडर्ड कस्टम बेसिक यहाँ पर मैं कोई और भी कलर यहाँ से ले लेता हूँ टेक्स्ट का। अब इस फॉर्मेट को पार्टिकुलरली अगर कॉपी करना है तो क्या करूँगा, बेसिकली फॉर्मेट पेंटर पर दो बार क्लिक करूँगा, मेरा एक्टिव हो गया और देन मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा उस सेल का फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन दबाना है, नहीं तो एक बार आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये एक्सेल के अंदर हमारा क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है।